हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का पूजा विधि क्या है, अनंत चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम क्या है। इस साल 2019 में अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर को है। वस्तुतः अनंत चतुर्दशी का संबंध गणेश चतुर्थी के दिन से ही जुड़ जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भक्त भगवान गणेश को हर उल्लास के साथ अपने घर लेकर आते हैं और अगले 10 दिन तक उनकी खूब सेवा करते हैं और पुनः भाद्र चतुर्दशी के दिन गणपति जी की विदाई या विसर्जन करते हैं। तो इस दिन गणेश जी के विसर्जन होने से अनंत चतुर्दशी के दिन का महत्व और बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का अपना महत्व है। अब इसका जो पूजा विधि है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें, पश्चात नया या साफ धुला हुआ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में एक समय बिना नमक के भोजन किया जाता है या पूरा दिन आप निराहार रहें तो अति उत्तम है। उसके बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। पुनः कलश पर अष्टदल कमल के तरह बने बर्तन में कुश से बने अनंत भगवान की स्थापना करें या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। पूजा स्थल पर बैठकर अक्षत, दुर्वा, कुमकुम, केसर, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे अनंत सूत्र बना लें या बाजार से अनंत सूत्र आप खरीद सकते हैं। इसका बात का ध्यान रखें कि अनंत सूत्र में 14 गांठें अवश्य होनी चाहिए। पुनः इस सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में रखते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की सरसोपचार विधि से पूजा मंत्र करें और मंत्र के साथ आपको पहनना है उसको, और वो मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सबुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज्यवस्व राणंत सूत्राह नमो नमस्ते। इस मंत्र के साथ आपको पूजा करनी है अनंत सूत्र की। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। तो इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होना चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा का और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न की शुरुआत चरण में करना चाहिए। मध्याह्न की शुरुआत चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है और इस दिन प्रातःकाल ही आपको व्रत का संकल्प लेना है। अब पूजा वगैरह होने के बाद जो काम करना है वो हम आपको बता देते हैं। मंत्र का जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं मंत्र वापस पढ़ देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ रहेगा। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सबुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज यस्व हणांत सूत्राय नमो नमस्ते। कहते हैं कि हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें, साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर दें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। और मंत्र के उच्चारण तथा पूजन के अनंतर अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ की भुजा में बांध लेना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं और परिवार के सभी सदस्य को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और यह सब पूजा पाठ शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको शुभ और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
तो ये मैंने आपको विधि पूरा बता दिया कि आपको किस तरह से करना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।